जिहड़े विद्यार्थी सैकेंड काउंसलिंग तो भी संतुष्ट नहीं हैं, वो संतुष्टि का कारण दो तीन हो सकता है, कॉलेज कॉलेज की दूरी, कॉलेज तो होर कोई डिससैटिस्फैक्शन, फीस का वध घट होना, नाल नाल एडिशनल जां एमए जां कोई होर कोर्स करना, सो इस तरह दीआं दुविधावां हन। ठीक है, बिल्कुल गाइडेंस ठीक होनी चाहिए है, गवर्नमेंट जॉब वल जाना है। दूसरा हो सकता है कि सब्जेक्ट ना सैटिस्फाई नहीं, क्योंकि जिहदे लई तुसीं एलिजिबल बनना चाहते हो वो उस कॉलेज विच नहीं है, जां तुहानूं कोई होर डिससैटिस्फैक्शन है तो तुसीं दूसरी काउंसलिंग तो निराश नहीं होना, क्योंकि साडे कोल तीसरी काउंसलिंग है। तीसरी काउंसलिंग विच दो तीन चीज़ां हन, नंबर एक कॉलेज जिहड़े ने गवर्नमेंट, दूसरा एडड, तीसरा प्राइवेट। प्राइवेट कॉलेज विच दो तरह की है, एडड ते इहनूं छड्ड के मैनेजमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा होएगा, जिहड़ा ने टैसट नॉट जिहड़ा है टैसट, इत्थे कांटा लगा दिता है कि जिन्होंने टैसट नहीं दिता, एंट्रेंस टैसट नहीं दिता, सो जिन्होंने टैसट दिता है इत्थे मैं लगा दिता है टैसट दिता है, उन्हां लई बचियां सीटां, उन्हां लई सब तो वड्डा आसरा यही बनना है। दूसरा आसरा एडिड कॉलेज बन सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज आसरा नहीं बन गए, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज सीट भरते नहीं हैं तो खाली रह जांदियां हैं, जे कोई गवर्नमेंट कॉलेज एफर्ट करता है तो वह भर सकता है, सो ये डिपेंड करता है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की करता है। सो एडिड के प्राइवेट कॉलेज विच उन्हां लई साह है, नॉर्मली यूनिवर्सिटी निर्देश देगी कि जेडे बच्चे फस्ट ते सैकेंड काउंसलिंग विच जिन्हां नूं सीट नहीं मिली, जां संतुष्ट नहीं हन, जां रिपोर्ट नहीं कीता, जां जिहड़ी प्रेफरेंस उन्हां नूं मिली सी उत्थे फीस जमा नहीं करवाई, ये गल्लां है ना। वो थर्ड काउंसलिंग विच ये क्या नहीं गया, हजे मैं दस रहा हाँ कि पिछले साल के बेस से अजिहे होण दी प्रोबेबिलिटी है। सो थर्ड काउंसलिंग विच वो एडमिशन लै सकते ने, वो एडमिशन मैरिट बेस्ड होएगी, ओके जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे सन वो फॉलो किए जाने चाहिए हैं, उन्होंने मेजर होएगा कंबाइंड एंट्रेंस टैसट जो है वो दिता होना होना चाहिए है। सो जदों ये इन्हां कोल जांदे है तो नॉर्मली एडिड कॉलेज इन्हां नॉर्म्स नूं फॉलो करते हैं, और जे जो प्राइवेट कॉलेज को मान लो 10 to 20% वैसे 20% हाँ सीट्स खाली रहनगियां हजे भी इनिया 20% मान लो सीट्स खाली ने, सो प्राइवेट कॉलेज की करते ने ये मैरिट शब्द मायने नहीं रखता उत्थे, क्योंकि उन्हां कोल कैंडीडेट ही घट आते हैं, नैचुरली हर किसी एडमिशन दे सकते हैं। दूसरे केड़ियां प्रॉब्लम आती हैं, कैटागरी की प्रॉब्लम आती है कि कैटागरी की कैटागरी ही मिलेगी, नहीं वो कैटागरी शिफ्ट कर लेंदे हन, कर सकते हैं, नहीं मैं कह रहा कर लेंदे हन, मीन तुहानू एडमिशन मिल जाती है, क्योंकि बाद वेरीफिकेशन यूनिवर्सिटी और कुछ नहीं जाता, सिर्फ कॉलेज लैवल से एडमिशन होनी चाहिए है, तुहाडी एलिजिबिलिटी बननी चाहिए है। दूसरा है कि सब्जेक्ट, मान लो साइंस सब्जेक्ट विच उन्हां इस कॉलेज को कोई सीट नहीं है, है ना, और SST विच 3 सीटा खाली पईआं, 10 सीटा खाली पईआं, 5 सीटा खाली पईआं, वो सीट्स वो कन्वर्ट कर लेंदे ने खुद ही SST वाली साइंस नूं दे देंदे ने। सो थर्ड काउंसलिंग तुहाडे लई वड्डी ऑक्सीजन लैके आ सकती है, जेकर तुहाडा डिस्टेंस है तुसीं ओह फिर भी थर्ड काउंसलिंग च जा सकते हो। हाँ, तुसीं फीस रिफंड करानी है हर हालत च पिछले कॉलेज तो करा सकते हो, ये कह के कि मैं BEd नहीं करनी जां मैं दूसरे कॉलेज जाना है, रिफंड हर हालत च होएगा, और UGC दी रेगुलेशनस गाइडलाइनस ने उहदे मुताबक, वैसे उन्होंने 30th डेट दित्ती हुई है, लेकिन क्योंकि अपनी एडमिशन लेट चल रही है उसके मुताबक तुसी फीस रिफंड करवा सकते हो। उहदे रूल विच 1000 रुपया जां कितें 2000 कट्टे जांदे होणगे, 1000 रुपया कट्टिया जांदा है, वह कट के ते तुहानूं हाँ चक्कर ते थोड़ी जी टेंशन होएगी, पर पैसे मिलने लीगली तुहाडे हक विच हन। सो इत्थे सारी एडजस्टमेंट तुहाडी थर्ड काउंसलिंग विच हो जाएगी। सो मेरे ख्याल च इस तों बाद तुहानूं असली सफर जिहड़ा है TET जां जॉब सिलेक्शन लई जां आराम करना है, जां जिंदगी दे नज़ारे लैने हैं, जां जिंदगी नूं समझना है, जां तुहानूं पता होएगा। थैंक यू।